Hey guys, welcome back to my channel Iron Fitness और आप सबका स्वागत है प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। तो आई होप कि आपको ये पूरा सीरीज देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा और आप मोटिवेट होते होंगे आप कि कोई भी एथलीट कितना ज्यादा हार्डवर्क करता है एक गेम को जीतने के लिए, एक मेडल जीतने के लिए। इतना आसान नहीं है सब कुछ। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ जिम, तो जिम में आज करना बैक वर्कआउट और ज्यादा फोकस करना लोअर बैक के लिए। लोअर बैक पर काम करना अच्छे से। आज तो क्रिसमस ट्री निकल गई मेरे में बैक के ऊपर। तो अभी चल रहे हैं जिम और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो अब वर्कआउट करने में मज़ा आ रहा काफ़ी। तो और अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको ये सीरीज देखने में अच्छा लग रहा है तो आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। आपको अगर जिम से रिलेटेड कंटेंट वगैरह चाहिए तो मैं अच्छे अच्छे रील्स भी डालता हूँ वहाँ पे। यहाँ सीट बेल्ट नहीं पहना था तो अगर आपको रील्स वगैरह पसंद आएंगे मेरे वहाँ पे तो आप जाओ एक बार चेकआउट कर लो। मेरा इंस्टा आईडी भी आपको दिख रहा है डिस्प्ले के ऊपर, तो इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप। तो अभी जिम आपका सामने है, वहाँ पे जो पीला कलर का छोटा वो दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं दीवार, लेकिन अभी कोई आया नहीं है वरना यहाँ बाहर खड़े मिलते लोग। तो अभी जिम में है और जिम में केवल मिलेंगे आपको सागर जी हमेशा की तरह भकुआए हुए। तो इतना सुबह कैसे उठ जाता सागर? तो और जिम में भी कोई नहीं आया, पूरा जिम खाली है। तो थोड़ी देर में एक्सरसाइज करवाते हैं और अपना एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी जो मैं BCAA यूज कर रहा हूँ वो MB का BCAA प्रो यूज कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा दे देता है। तो एक सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा और यूज करूँगा BCAA और प्री वर्कआउट, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। फिर जो कुछ होगा अपना खुद से करना डाइट से, क्योंकि कार्ब लोडिंग भी चालू होगा धीरे धीरे। ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच लेता हूँ इसको। तो किसी को परचेज करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके वहाँ से क्लिक करके आप परचेज कर लीजिएगा। 1700-1800 में आपको मिल जाएगा 750 ग्राम का, जिसमें आपको मिलेगा 7 ग्राम BCAA। तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, इसको एंजॉय करता हूँ। फिर वर्कआउट शुरू करता हूँ। स्ट्रेचिंग हो गया है और अब जा रहे हैं पहला एक्सरसाइज करने। तो आज का टारगेट होगा लोअर बैक को ज़्यादा पुश करेंगे। आज आपको क्रिसमस ट्री निकाल के दिखाएंगे। तो क्रिसमस ट्री याद आने चाहिए, स्टेज पे जो क्रिसमस ट्री है ना आपका बैक पोज में 100 में 100 पॉइंट दिला सकता है आपको। तो पहला एक्सरसाइज करेंगे पुलअप्स, वाइट ग्रिप पुलअप्स करेंगे, मीन्स की कम्प्लीट बैक वर्कआउट करेंगे लेकिन लोअर बैक को ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो अभी जा रहे हैं पुलअप्स का वाइट ग्रिप पहला सेट लेने। तो एक सेट कंप्लीट हो गया, अब 3 सेट और करेंगे टोटल 4 सेट, उसके बाद अगला एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि एप्स कैसा लग रहा है अभी आपको। Let's run away.
this life can I be lost forever? I watch my generation. It's all whoever in this world will soon. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be. तो यहाँ पे अगला एक्सरसाइज करेंगे वो रोप से करेंगे रोइंग। तो एक सेट हो गया, तीन सेट और करेंगे इसका। वेट को फिक्स रखें, ज़्यादा वेट नहीं, बस माइंड को ले जाना अपने लोअर बैक पे, लोअर बैक और अपने इस साइड, ताकि पोज करते उसका बैक नीचे से दिखे अपने लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं वो डेडलिफ्ट करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसमें करना क्या है। अगर लोअर बैक को इंगेज कर रहे तो पूरा यहाँ के नीचे पूरा खड़ा नहीं होना आपको, ठीक है? कमर को टाइट कर लिया नीचे, अब यहीं से आपको पुश कर लेना, बस इतना है। मींस की लोअर बैक पे पूरा लोड लेना ताकि लोअर बैक पूरा साफ हो जाए।
वेट को मैंने यहाँ पे फिक्स रखा, 4 सेट हो गए, काफ़ी मजा आया। तो आखिरी एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं फिनिशिंग लोअर बैक के लिए, वो करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। तो वर्कआउट यहाँ पे फिनिश हो गया है और अभी जा रहे हैं घर। घर जाएंगे, एक अच्छा सा मील लेंगे और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो आज पूरा दिन का आपको आज मील दिखाते हैं कि पूरा मील क्या है। वैसे आज जीरो कार्ब होने वाला, कोई सा भी कार्ब नहीं लेंगे, बस प्रोटीन फैट और फाइबर होगा डाइट में। तो पूरे दिन का आपको डाइट दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं जिम से अभी और सीधा चलते हैं रूम। तो अभी जिम से निकल गए हैं और जाते हैं रूम। थोड़ा सा अंडे ख़त्म हो गए हैं, तो पूरा एक पेटी अंडा लेना है, तो थोड़ा बहुत सामान लेना है रास्ते में, तो अंडा वगैरह ले लेते हैं, फिर सीधा जाएंगे रूम। ठंड का टाइम आ गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब निकलते हैं सीधा मार्केट में, थोड़ा बहुत जो लेना है ले लेते हैं, उसके बाद सीधा रूम जाना है, मील लेना है, उसके बाद प्रॉपर रेस्ट करना है। ज़्यादा काम है नहीं आज, बस रेस्ट करना है, मिल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंडा ले लिए हैं और जा रहे हैं। आया कहाँ मेरे जिम? तो जिम कहाँ नहीं आया? ओह अच्छा। पहुंच गया हूं मैं और अब जाके मिल लूंगा, जो भी लूंगा आपको जरूर दिखाऊंगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको मील दिखाते हैं कि क्या क्या मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मील नंबर 1 रेडी कर रहा हूँ। तो मील नंबर 1 में क्या है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो मील नंबर 1 में है 6 एग व्हाइट है और 2 पूरा योग के साथ है, मीन्स 8 अंडे का पूरा ऑमलेट बना रहे हैं, साथ में एक पीला है और वे प्रोटीन 1 चम्मच। तो ये मील नंबर 1 हो जाएगा मेरा। और अंडे बॉयल होने में टाइम था, देखिए, मतलब एग भी इधर बॉयल हो रहा है, देख लीजिए। तो अंडे बॉयल होने में टाइम था, तो तब तक मैंने सोचा कि चलो आज ऑमलेट ही ले लेते हैं। साथ में ऑलिव ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल बनाया तो फैट भी आ जाएगा जितना ज़रूरत है बॉडी में। तो यही है मील नंबर 1। फिर मील नंबर 2 में एग वाइट और जो भी कुछ होगा दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी सुधीर आया हुआ है, तो सुधीर नया मोबाइल लिया है, तो उसका पार्टी चाहिए मुझे। सुधीर कौन सा मोबाइल लिया ब्रो? छोटा सा, पीछे देखा, पीछे देखा, आगे। तो 13 है ना? हाँ, तो 13 लिया, तो उसका पार्टी भी करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मील नंबर 1 रेडी हो चुका है। तो मील नंबर 1 में क्या है देखिए आपका, ले लो फोकस कर लो। हाँ, तो मील नंबर 1 में है आपका ऑमलेट है 8 अंडे का, जिसमें 2 आपका येलो है और 1 खीरा है यहाँ पे, और आपका साथ में है बिग मसल का प्रोटीन, वे प्रोटीन है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो मील नंबर 1 मैं अभी खाता हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगा, फिर उठ के जो भी मील नंबर 2 लूँगा आपको जरूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं मील नंबर 2 ले रहा हूँ। तो मील नंबर 2 में है 15 एग व्हाइट है और खीरा आपका, तो ये आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बच गया है 5 और मैं जा रहा हूँ जिम। अभी थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है आज, तो पूरा इंजाम है यहाँ पे। तो अभी उठ करके 4:30 बजे 1 मील ले लिया था, तो वही सेम 12 एग व्हाइट थे और 1 सलाद था खीरा का, तो वही सिंपल था, तो ज़्यादा दिखाने को था नहीं कुछ, तो नहीं दिखाया। और बाकी 1 मील मैंने कैरी कर रखा है, उसमें भी 12 अंडे है और 1 आपका थोड़ा सा सलाद है। तो बस अभी जिम पहुँचते हैं और फिर जैसा होता आपको दिखा। तो गाइज यहाँ पे
जिम पहुंच चुके हैं और अभी थोड़े देर में मतलब 7:30 बजे के आसपास अपना क्या बोलते हैं कार्डियो, तो 7:30 बजे के आसपास कार्डियो स्टार्ट करेंगे और साथ में आज ओब्लिक का एक्सरसाइज करेंगे। तो आज अभी ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, जिम में आए हैं 8-10 लोग हैं अभी, तो देखते हैं अब अपने लिए भी टाइम निकालते हैं थोड़े देर में। Constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation, it's over. तो गाइस यहाँ पे कार्डियो चल रहा है अभी मेरा, तो टाइम अभी देखिए कितना देर हो गया, 14 मिनट से कार्डियो कर रहा हूँ, 138 कैलोरी बर्न हो चुका है यहाँ पे। तो आधा घंटा कार्डियो करेंगे उसके बाद ओब्लिक एक्सरसाइज करेंगे, मतलब एक्सट्रीम लेवल वाला ओब्लिक एक्सरसाइज होने वाला आज, तो देखिएगा आपको मजा आएगा। बहुत सारा चीज़ बताऊंगा जो कि आपके ओब्लिक को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देगा, मतलब चेंज कर देगा और बहुत अच्छा शेप में कर देगा, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे कार्डियो हो चुका है और कैलोरी बर्न हुआ मेरा टोटल 316 कैलोरी बर्न हुआ आधे घंटे साइकिलिंग करने में। तो अब अगला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि ओब्लिक का करेंगे प्रॉपर, तो ओब्लिक का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ओब्लिक का पहला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तो पहला एक्सरसाइज करेंगे साइड प्लैंक, एक एक मिनट का दोनों तरफ से करना है, मतलब करूँगा तो यहाँ कंप्लीट वर्कआउट हो चुका है मेरा अभी ओब्लिक का, तो अब यहाँ से निकलेंगे सीधा रूम जाएंगे, एक अच्छा सा डाइट लेंगे उस पर रेस्ट करेंगे। तो गाइस अभी जिम से निकल गए हैं और जा रहे हैं रूम पे, तो अभी डेली की तरह अभी चल रहा है, 15 दिन बचा हुआ है, अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी इसी तरह सही चलता रहा तो फिर ठीक है। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंजरी से बचना है, कोई इंजरी ना हो, इसलिए ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अगर इस टाइम में इंजरी आ गया तो रिकवरी का टाइम भी नहीं है और फिर गेम में आ गया तो फिर ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं है अभी। तो दीपावली यहाँ ठीक ठाक से मैंने मना लिया, और सबसे बुरा तब लगता है जब दीपावली में लोग सब कुछ खाते हैं और हम लोग को नहीं खाना पड़ता है। तो ये हर एक एथलीट की कहानी है, जो भी एथलीट है वो अपने आप को तपस्या समझ लो एक तरह से, कि तपस्या करता है वो,
और अपने आप को टॉर्चर करना ही पड़ता है। जितना आप यहाँ टॉर्चर करोगे, सेक्रीफाइस करोगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो जो जितना अच्छा सेक्रीफाइस करेगा, तपस्या करेगा, उसको मेडल उतना अच्छा प्लेस मिलेगा, मेडल मिलेगा। तो ये सारे एथलीट का स्टोरी है, हर एथलीट मेहनत करता है अपने तरफ से पूरा। बस बॉडी बिल्डिंग यही है, तपस्या करना है। तो गाइस यहाँ मैं रूम पहुँच गया और आखिरी मील ले रहा हूँ, जिसमें 12 अंडे हैं और एक खीरे का सलाद है और साथ में वे प्रोटीन एक स्कूप है। तो ये आखिरी मील लूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। तो आज का दिन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग माई ब्लॉग। कीप लव, कीप सपोर्ट। धूम।